अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मी एंड मी में। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं मी एंड मी में बिगनर्स के लिए ब्राज़ीलियन कैराटिन लेकर आई हूँ और ये भी बताऊँगी कि ये कितने किस्म की होती है और इसका इस्तेमाल हम किन बालों पर बआसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए क्लास में चलते हैं। मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और इस फील्ड में मुझे तकरीबन 18 ईयर्स हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि कुछ लोग यहाँ पे हैं जो मुझे जानते हैं और उन्होंने शायद क्लास भी ली हुई है। और हेयर जाहिर है वो हम लोग कह रहे हैं तो हेयर एक्सपर्ट और हेयर से रिलेटेड सब कुछ, मतलब सिर्फ कलरिंग नहीं होता, बहुत सारा कुछ जिसके अंदर परमानेंट आपकी एक्सटेंशन आ जाती हैं, फिर कैराटिन से रिलेटेड आ जाता है, फिर आपका कलरिंग आ जाती है, फिर रिबॉन्डिंग, मतलब हेयर जितनी भी प्रॉब्लम है हम, मैं हेयर एक्सपर्ट हूँ। फिर उसके बाद जितनी भी आप यहाँ पे सैलून डिज़ाइनर में हम लोग एस्थेटिक कर रहे हैं, मशीन्स यहाँ पे आपने देखा होगा, मशीन्स को भी डील कर रही हूँ, हाइड्रा मशीन्स को डील कर रही हूँ, आईलैश एक्सटेंशन कर रही हूँ और भी बहुत सारे काम हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि आज आप लोगों की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हेयर से रिलेटेड वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं मैं उनको ईजीली आपको समझा सकें, ठीक है। और जितनी भी कैराटिन यहाँ पे हमारे पास स्कैल्प में अवेलेबल है वो सारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊँगी। जो मेरी ब्रांड है इसका नाम फेल्प्स है। स्टैंडी वगैरह कोई? अच्छा, फेल्प्स में हमारे पास जो रेंज है डिफरेंट, मतलब कैराटिन, क्योंकि कुछ लोग ना प्रोडक्ट का बस नाम ले रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारी ये जो ब्राउन वाली कैराटिन है ये चलती है, तो वो बस इसी को कह रहे होते हैं कि फेल्प्स, इसको फेल्प्स बोलते हैं। फेल्प्स हमारी ब्रांड का नेम है और फेल्प्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है कैराटिन है, जिसमें ओमेगा ब्लैक, नट्स कैराटिन, हेयर बोटॉक्स, इनकी रेंज आ जाती है, ठीक है। ये सारी फेल्प्स की कैराटिन है। तो इससे इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी और जो आज हमने प्रैक्टिकल करना है वो हमारा ये वाला हेयर है, इनको हम वॉश करवाने भेजेंगे, तब तक मैं आपको अपनी प्रोडक्ट के हवाले से सारे अपडेट करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारी जो मॉडल है इनके हेयर बहुत थिन है और बॉटक्स ऐसे ही हेयर के लिए होता है जो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस्ड हो जाते हैं हेयर, और क्योंकि आपको पता है कि कैराटिन के लिए एक हीट रिक्वायर्ड होती है उसको मेल्ट करने के लिए और डिपॉजिटिंग के लिए, उसको सील करने के लिए, क्योंकि उस पर मेंशन भी है थर्मल सीलिंग, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ हेयर ऐसा होता है जिस पे हम इतनी हीट नहीं दे सकते हैं कैराटिन के लिए, तो हम क्या करते हैं कि बॉटॉक्स पे शिफ्ट होते हैं। तो ऐसा हेयर जो बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका है या किसी भी ऐसे केमिकल से जिसमें पोमलिन होती है उससे बर्न हो गया है, तो उसके लिए भी हम बॉटॉक्स ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आपके पास क्लाइंट आते हैं जिनकी क्रिंक हो चुका होता है, इलास्टिसिटी बहुत होती है, टूट रहा होता है, रबर बन रहा होता है, ऐसे हेयर पर हम बॉटॉक्स करते हैं। बॉटॉक्स क्या करता है, ये हेयर को स्ट्रेंथ देता है, ब्रेकेज को स्टॉप करता है, ऐसे थिन हेयर को में समझे कि वो जो हम अपने लफ्ज़ों में बोलते हैं जान डालता है। तो अभी आप इनके हेयर की बिफोर पिक्चर ले लें क्योंकि वॉश के बाद इनकी सही कंडीशन अभी पता चलेगी। अभी भी आपको फील हो रहा है कि ये फटा हुआ बाल है और रफ हेयर है, ठीक है। जैसे ही हम इसको वॉश करेंगे, वॉश के बाद हमारे पास असल जो हेयर की कंडीशन आती है, कभी भी ड्राई हेयर पर वो कंडीशन नहीं होती। जैसे ही हम वेट करेंगे, इसको वॉश करेंगे, तो हमारे पास इसकी क्योंकि कितना सेंसिटिव है हेयर, हेयर की सेंसिटिविटी हमें ड्राई हेयर में नहीं फील होती, वेट हेयर में फील होती है, ठीक है। अभी हम इसे वॉश करवाने भेज रहे हैं। इसमें वॉश में मैं आपको बता देती हूँ, क्लैरिफाइंग शैम्पू मस्ट है। आप बॉटॉक्स का ना मेथड साथ साथ लिखते जाइए। स्टेप वन से हमने इसको वॉश करवाना है क्लैरिफाइंग शैम्पू से, और इनका टू टाइम वॉश है क्योंकि अभी इनके हेयर की जो कंडीशन है, स्कैल्प जो है इनकी ऑयली हुई हुई है काफ़ी ज़्यादा, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ऑयल इन्होंने लगाया है, तो इसलिए हम टू टाइम वॉश करेंगे। फर्स्ट टाइम हम इनको अच्छी तरह इनका ये जो ऑयल है ये इससे निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा से इसको लगाएंगे और 8 मिनट का टाइम देंगे, 8 मिनट्स, ठीक है। 8 मिनट के बाद हम दोबारा से वॉश करके इधर ले आएंगे। अतिया तुम वॉश करवा। कलर ट्रीटेड हेयर पे यूज़ होती है ये नट्स है, ओके, ठीक है। फेल्प्स की नट्स कैराटिन है, कलर ट्रीटेड हेयर पे, और आपके जो ब्लीच हेयर होते हैं उन पे ड्राई डैमेज हेयर मॉइस्चर देती है, स्ट्रेटनिंग देती है। स्ट्रेटनिंग कितने अर्से तक देती है? स्ट्रेटनिंग का भी ये आप लिख लें, मैं अभी बताती हूँ कि सब प्रोडक्ट्स स्ट्रेटनिंग पे कितना काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेयर ही स्ट्रेटनिंग जो है ना वो रहती है उसका टाइम, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अब 6 मंथ किनका रहता है जिनका थोड़ा सा बेहतर हेयर है, नरिश्ड है, तो हम क्या करते हैं जब सील करते हैं वो अच्छा सील हो जाता है, क्यूटिकल सही से सील हो जाता है। अब जिसका पोरस हेयर है तो उसमें क्या होता है कि क्यूटिकल जल्दी खुल जाता है,
तो 6 महीने ऐसे बाल जिनकी कंडीशन थोड़ी बेहतर है, लेकिन जिनका फटा कटा हुआ बाल है, बिल्कुल पोरस हेयर है, उसमें 4 मंथ, और फिर डिपेंड करता है क्लाइंट की वॉशिंग पे, वो वॉशिंग किस तरह से कर रहा है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो वीकली 2 टाइम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स बड़े बड़े लंबे अरसे वॉश नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं जो डेली वॉश ले रहे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके वॉशेज पे, 100 वॉशेज ले रहे हैं, 100 वॉशेज कुछ लोग 3 महीने के ड्यूरेशन में ले रहे होते हैं, कुछ लोग पूरे इस तरह करके, तो वो डिपेंड करता है वॉश पे आपके ना। अगर जो डेली वॉश ले रहा है तो ये जल्दी स्किप करेगी, लेकिन अगर गैप से ले रहा है तो नॉर्मल, क्योंकि हर वॉश में उसने निकलना तो होता है ना, तो इसलिए हम लोग क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि 6 महीने रहेगी। अगर हम 6 महीने का हर बाल पे उसको कह देंगे तो आपके पास क्लाइंट 3 मंथ्स के बाद आ जाएगा। तो कंसल्ट आपने करना है, कंसल्टेशन का मतलब यही होता है कि क्लाइंट का माइंड प्रिपेयर करना, क्लाइंट को बताना कि आपका हेयर इस कंडीशन में है और इतने परसेंट तक आपके हेयर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी और इतने अरसे में वो निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम सब कुछ 6 महीने की गारंटी नहीं देते, इसके बाद कोई शैम्पू भी है स्पेसिफिक जो यूज़ करते हैं 100%, क्योंकि इसकी शर्ट ही शैम्पू है। अगर आप इसका शैम्पू नहीं यूज़ करते हैं, जो हमने सील करवाया हुआ होता है प्रोडक्ट, वो क्या होता है, वो हर शैम्पू वॉश में निकल जाता है, ये उसको स्टेबल रखता है, उसको लास्ट करवाता है उसके रिजल्ट को। इसका होम केयर है ना, एक होम केयर का सेट दे दें मुझे, कैनाथ हेयर और ब्लीच हेयर के लिए। फिर सेकंड हमारी आ जाती है ओमेगा ब्लैक, ओमेगा ब्लैक जो हमारी कैरेटिन है। ये फर्स्ट का नाम क्या है इस कैरेटिन का, फेल्प्स की है, लेकिन फेल्प्स की नट्स कैरेटिन, नट्स ओमेगा ब्लैक वाला होती है इसको सेकंड में, ये ओमेगा ब्लैक इसके मेंशन है, ओमेगा ब्लैक ओमेगा जीरो के नाम से है, मैं ब्लैक बोलती हूँ क्योंकि इसका कलर ब्लैक है, तो ओमेगा ये जीरो मेंशन है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ जीरो, नजर आ रहा है। अच्छा, ये ऐसे क्लाइंट्स के लिए है कि जो लोग डेड स्ट्रेट चाहते हैं, पिन स्ट्रेट हेयर चाहते हैं और बाउंसी लुक भी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नरिश हो, शाइनी हो, जो आपने अक्सर वीडियोस में देखे हैं ना, वो ऐसे बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं, लहलहा रहे होते हैं, तो ये वो वाले, हाँ ये वो वाली कैरेटिन है। लेकिन ये किस हेयर पे यूज़ होती है, थोड़े स्ट्रॉन्ग हेयर, ये आप कटे हुए फटे हुए बिल्कुल जले हुए बालों पे नहीं, इसको वर्जन हेयर पे कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा पता क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हमारी वो टाइमिंग वाला सीन नहीं है, कि जिस तरह रिबॉन्डिंग प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें हमें टाइम ज़रूरी होता है कि 3 घंटे का हमें टाइम देना है, ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम देना है। 30 मिनट से अगर एक्सीड कर जाता है तो क्या होता है कि हेयर हमारा बर्न हो जाता है, होता है ना ऐसा, हमसे कभी गलती हो जाती है, तो इसमें जब आप टाइम देते हैं, इसमें कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है, अगर एक्सीड भी कर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये वो वाली प्रॉब्लम, ठीक है। ऑर्गेनिक है, जिन क्लाइंट्स को इशू होता है फ्यूम्स से, फॉर्मल्डिहाइड से, उनको आप कर सकते हैं। परमानेंट ट्रीटमेंट्स भी चलते हैं, कुछ क्लाइंट्स परमानेंट मांग रहे होते हैं, आप रिबॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको हमें भी सेफ साइड चलना होता है कि बर्न ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो तब आप ओमेगा जीरो को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 100% स्ट्रेट करती है, ऑर्गेनिक है, फ्यूम फ्री है, फ्यूम नहीं है, ना ही आंखों में जाते हैं, ना ही टीयर्स आते हैं आपके, कुछ भी ऐसा नहीं है। और जबकि नट्स भी हमारे इसी तरह से, जो कुछ क्लाइंट्स को तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत पसंद है, वो कहते हैं बहुत अच्छी है, और कुछ जो सेंसिटिव क्लाइंट है, कुछ क्लाइंट्स तो उनके होता है कि थोड़ा सा टीयर्स, वो भी क्या कि अगर वेंटिलेशन आपकी सही नहीं है, क्रॉसिंग नहीं हो रही है, क्योंकि कैरेटिन के लिए हमेशा ऐसी जगह पे आप करें जहाँ पे क्रॉस हो रही है, ठीक है, हेयर, ओ सॉरी हेयर, मैं हेयर कह हेयर, ठीक है। तो इसलिए ये 2 कैरेटिन आपको समझ आ गई, वर्जन इसका कलर ही ब्लैक है, ठीक है, कि ब्लैक हेयर, ब्लैक हेयर, स्ट्रॉन्ग हेयर, और कलर ट्यूटी पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें टाइम कम देना है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम हम कम देते हैं, इसमें हम 1 घंटा देते हैं वर्जन हेयर को। जो नीग्रो कर्ल होता है, अब नीग्रो कर्ल की भी काइंड्स होती हैं, नीग्रो कर्ल का कर्ल स्ट्रांग होता है, लेकिन हेयर कभी कभी ऐसा होता है कि वो थिन होता है, पतला होता है बाल, तो वो भी डिपेंड कर रहा होता है आपका। बेहतर है कि हम पहले वाली करें जो ड्राई डैमेज हेयर से, तो ये होनी चाहिए ना हमारे पास, तीनों ही होनी चाहिए, क्योंकि देखें जब हम हेयर देखते हैं
कभी भी ऐसा तो नहीं होता ना कि जब मरीज डॉक्टर के पास आता है वो सबको एक ही दवाई देते हैं, अलग है और उसकी मेडिसिन भी अलग है। तो सेम इसी तरह हेयर का, कि हेयर जब मुझसे पूछते हैं कि आपके पेज पे हमने देखा है फेल्स के पेज पे कि आपके रिजल्ट तो हर बाल पे ही बड़े अच्छे आ रहे हैं, हर बाल पे ही एक जैसे हैं, तो वो इसीलिए है ना, क्योंकि हमने नीचे मेंशन किया हुआ है कि ये वाला था बाल, इस पे हमने बोटॉक्स को एप्लीकेशन की है, ये वाला हेयर था इस पे हमने ओमेगा के साथ एप्लीकेशन की है, तो उस सूरत में 100% रिजल्ट आपके पास आते हैं। ठीक है, ओमेगा ब्लैक के बाद दोनों का डिफरेंट है मेथड ना। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर क्लास होती है तो फिर हम नट्स केराटिन का रखेंगे। पहले किसी ने यहाँ पे फेल्स की क्लास अटेंड की हुई है? इसका मतलब है हम नेक्स्ट ओमेगा की रख सकते हैं। यस, ओमेगा ब्लैक। ठीक है, थर्ड फिर हमारी प्रोडक्ट आ जाती है हेयर वाटर। अब इसमें आपको मैंने बताया अकॉर्डिंग टू हेयर स्ट्रेटनिंग हो रही है, केराटिन कभी भी 100% स्ट्रेट नहीं करता, केराटिन एक ट्रीटमेंट है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हेयर किस तरह से, कि अगर हेयर का वेव बहुत ज़्यादा ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे वेव है तो 100% स्ट्रेट हो जाएगा, उस सूरत में 100% हम बोलते हैं कि 100% स्ट्रेट भी करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि क्लाइंट मुझे कहते हैं कि आपने कहा था कि 100% स्ट्रेट करता है, तो इसने तो इस तरह के बाल थे 100% तो स्ट्रेट नहीं किया, अकॉर्डिंग टू हेयर हम लोग बोल रहे होते हैं स्ट्रेट करता है। अच्छा, हेयर पे भी वेव पे भी आ जाता है आपका। दूसरी बात ये कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में पता है क्या डिफरेंस है, ये दोनों का मेथड एक है, बोटॉक्स और ओमेगा का, इसका मेथड डिफरेंट है। अब होता क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है ये नरिश कर रही है और ये आउटर स्ट्रक्चर आपका जो शर्ट है उसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, ये वाली जो हमारी प्रोडक्ट है तो ये क्या करती है, ये शील्ड देती है तो हेयर को मोटा करती है। अब मोटे ही बाल पे हम एक और लेयर दे दें तो क्या रहेगा, वो मोटा ही रहेगा, थिक ही रहेगा। वर्जन हेयर अगर है, हम वर्जन पे कर रहे हैं तो 100% स्ट्रेटनिंग नहीं आ रही ना। हाँ, अगर वर्जन हेयर है, थोड़ा सा नॉर्मल स्ट्रेट है, तो फिर 100% ही स्ट्रेट होगा इससे। लेकिन अगर वर्जन है और नीग्रो कर्ल है तो उस सूरत में क्या करेगा, ये मोटा बाल है तो मोटा ही करेगा, मजीद शील्ड दे रहा है ना। हमेशा जो रिपेयरिंग वाली प्रोडक्ट्स होती हैं वो इनर स्ट्रक्चर जाके काम कर रही होती है, रिपेयर करना होता है ना। रिपेयर हम इस तरह कर सकते हैं, ऊपर से तो नहीं कर सकते ना, खाली हम क्यूटिकल को तो नहीं रिपेयर कर सकते, हमें अंदर से भी उसको नरिश करना है, उसके अंदर हमें डिपॉजिटिंग करनी है, जो उसकी प्रॉपर्टीज निकल गई हैं हमें वो डिपॉजिट करवानी है, तो फिर हम रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स हमेशा इनर स्ट्रक्चर जाके काम करती है, तो दोनों का मेथड डिफरेंट होगा। इसको हमने लगा के छोड़ना होता है, ये क्योंकि क्यूटिकल के ऊपर काम कर रही है, इसको हमने प्रोडक्ट को लगाया, ड्राई किया और आयरन कर दिया। ठीक है, इसने एक लेयर दे दी, शील्ड दे दी, नरिश कर दिया, बड़ा अच्छा उसमें फ्लेक्सिबल हो गए। लेकिन बाकी हमारे पास जो बाल आ गए, जो जला हुआ है, जैसे अभी इनका बाल है, इन्होंने उसके पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा है ना। ठीक है, ऐसे तो मैंने बेहतर है, हम लोग अपना बाल खुद ही बेड़ा कर होते हैं, कोई नहीं कह रहा। अब तो हमारे पास इतनी सारी रेंज आ गई है और इतने मज़े मज़े की मैजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो अवेलेबल हैं। ठीक है, बाजार में आपको केराटिन बहुत सारी मिलेगी लेकिन वो सिर्फ केराटिन होगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी फेल्स के अंदर आपको रेंज मिलेगी वो हर हेयर के जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं सबके सबका सलूशन है फेल्स में। तो ये जो दो प्रोडक्ट होती हैं, बोटॉक्स और ओमेगा, ये क्या करती हैं, ये रिपेयर भी करती हैं और इनर स्ट्रक्चर जाके काम करती हैं। ये 100% स्ट्रेटनिंग के साथ है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एसिड होते हैं इसके अंदर, एसिड्स आपको स्ट्रेट कर रहे होते हैं। हम पूछते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें, फॉर्मलिन तो है नहीं इसके अंदर, तो वो कौन सी चीज़ें जो बॉन्ड्स को ब्रेक भी नहीं कर रही है, और वो क्या कर रही है, हमेशा इसमें कुछ जो ओमेगा की रेंज है वो और एसिड है इस तरह के कि जो हेयर के स्ट्रक्चर को स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, बोटॉक्स 0% स्ट्रेटनिंग लेकिन 100% रिपेयरिंग, 0% स्ट्रेटनिंग 100% रिपेयरिंग। अब क्या होता है कि ये भी कहते हैं फ्रिज कंट्रोल, वॉल्यूम को कम कर रहा है। वॉल्यूम को कम कौन सी चीज़ करती है, कि जब थोड़ा सा स्ट्रेट होता है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ऐसा ही है ना, तो फ्रिज को कंट्रोल कर रही है। लेकिन हमने क्लाइंट को नहीं ये बताना कि आपको स्ट्रेटनिंग भी मिलेगी बॉटम से, ये सिर्फ हम जो जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो हम आपको हमारा फ़र्ज है सारा कुछ समझाना, क्लाइंट को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि उस बेचारे ने तो काम करवाने आया है ना, तो ये बात सिर्फ हमें समझ आती है। तो आपने जब करना है काम तो इसमें क्योंकि 40% स्ट्रेटनिंग है,
थोड़ा सा और मजीद चाहते हैं कि लास्ट करें तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं केराटिन, ठीक है, बोटॉक्स के अंदर केराटिन ऐड कर सकते हैं, नट्स भी ऐड कर सकते हैं, ओमेगा भी, डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको स्ट्रेटनिंग देता है 40%। और कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा जब प्रोडक्ट छोड़ के हम करते हैं तो बहुत अच्छी सी 60% भी स्ट्रेटनिंग दे रहा होता है, जब हम इसमें नैनो प्रोटीन ऐड कर देते हैं क्योंकि प्रोटीन भी लेस हो गई है इसमें, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं प्रोटीन के लिए रेंज लेके हम इसमें अप्लाई करते हैं। ये नैनो प्रोटीन ये सिर्फ प्रोटीन है, ये खाली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड करके भी कर सकते हैं और इसको भी सिंपल प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, क्यों मैं इसमें ऐड करती हूँ, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 2.5 मंथ लास्ट करता है, 2 मंथ्स। अगर मुझे थोड़ा सा लास्ट और करवाना है तो मैं इसमें नैनो प्रोटीन या नट्स केराटिन ऐड करती हूँ। ये आपके पास कोई और प्रोडक्ट हो ना हो, आपके पास बॉटम होना जरूरी है, ठीक है। हार्ट की दवा लो, मैं होम्योपैथिक ही होम्योपैथिक अच्छा ये वाला जो प्रोडक्ट है ना हमारा, ये हर हेयर पे यूज़ हो सकता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बाल जल ही गया है तो ही हमें इस्तेमाल करना है, अगर आपको स्ट्रेटनिंग वाला कोई इशू नहीं है ना, जैसे मैं मुझे अपने हेयर में वॉल्यूम पसंद है, मुझे फ्लैट लुक नहीं पसंद, चिकू वो जो स्ट्रेट एक लुक होती है मुझे वो नहीं पसंद, मुझे शाइनी फ्लेक्सीबल लेकिन बाउंसी लुक पसंद है, तो मैं सिर्फ बोटॉक्स करती हूँ अपने हेयर खुद ही कर लूँ। कभी कभी होता है कि मैं इसमें थोड़ा सा नैनो प्रोटीन या नट्स का भी दिल चाहता है कि कहीं पे मैंने लंबे अरसे के लिए जाना है, 10 से 15 दिन या 20 दिन के लिए किसी और सिटी में जाना है कि मुझे आयरन ना करना पड़े, तो फिर मैं कभी कभी नट्स थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, क्लाइंट को तो हमने ज़ाहिर है उस बेचारे ने पैसे खर्च करने हैं तो उसमें आना ही 6 महीने बाद है, उससे पहले नहीं आना, ठीक है। लेकिन जिस तरह हम लोग अपने लिए कर रहे होते हैं तो आप तकरीबन 1 से 1.5 या 2 महीने के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। क्वांटिटी कम करेंगे हम उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, जैसे हम नॉर्मली वॉश करते हैं, वॉश के बाद हमने हल्का सा अप्लाई किया बोटॉक्स को, ठीक है, और उसको हल्का सा रिंस किया, जस्ट ब्लो ड्राई करके मैं छोड़ देती हूँ, आयरन की भी ज़रूरत नहीं है। एक दिन के लिए हम गैप देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसको हमने 3 दिन स्टे करवाना हो, जिसका काम स्ट्रेटनिंग हो। इसमें क्या होता है कि ये मेल्ट होती रहती है, नरिश करती है, अगर हम एक दिन का स्टे देते हैं ना तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नट्स हैं वो खुद ब खुद मेल्ट हो, अगर खुद मेल्ट होता है ना तो ज़्यादा अच्छी नरिश होता है फिर, तो इसलिए हम इसमें स्टे करवाते हैं, कभी कभी क्लाइंट को करवाते हैं, कभी कभी नहीं भी करवाते हैं। सारी जितनी प्रोडक्ट हैं सेम डे वॉश है, जो नेक्स्ट हमारा वेदर आ रहा है उसमें हमें स्वेटिंग भी होती है, बहुत सारा होता है, क्लाइंट ख़राब भी कर लेते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सेम डे वॉश करवा देते हैं। लेकिन अगर आपको फील होता है कि किसी क्लाइंट के हेयर में मतलब बहुत ज़्यादा रफ है हेयर और स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब मोटा बाल है, तो उस सूरत में आपने 1 डे स्टे करवाना है। कल हमने 2 प्रैक्टिकल किए अपने ऑफिस में ना, दोनों नट्स के थे, एक वर्जन हेयर था, वर्जन हेयर और कर्ली, मतलब बहुत ज़्यादा वो वाला बाल था जेंट्स का, और आपको पता है जेंट्स के बाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर एक आंटी थी उनके हमने किया, उनके बाल कलर ट्रीटेड और मतलब बहुत कुछ खिचड़ी पकी हुई थी, उनके हेयर पर भी किया। अब दोनों का इसलिए हमने क्लास में किया कि एक पे हमने बड़ा फिट वाला आयरन किया और एक पे हमने नॉर्मल आयरन किया, जो वीक हेयर था उस पर भी रिजल्ट वैसा आया और उस पर भी वैसा आया। वीक हेयर क्योंकि उस बेचारे को इतनी ज़रूरत नहीं होती आयरन की, आयरन की हीट की इतनी ज़्यादा, तो वो खुद ब खुद रिस्पॉन्स कर देता है, जो बल्कि दूसरा हेयर होता है वो रिजिस्ट करता है, वो बाकायदा हमारी प्रोडक्ट के साथ फाइट कर रहा होता है, तो इसलिए फिर हमें उसी के अकॉर्डिंगली उसको टाइम दिया हमने ज़्यादा, ठीक है, यानी एक दिन स्टे करवाया था हमने और उसको हमने आयरन भी फुल हीट पे किया। इसमें जितना भी आपका डिपेंड कर रहा होता है कि आयरन की हीट पे डिपेंड कर रहा होता है, आयरन की हीट जितनी कम होगी स्ट्रेटनिंग उतनी ही कम होगी, मेल्ट भी उसी तरह होगा, ठीक है। आयरन की हीट जितनी तेज़ होगी उतना ज़्यादा स्ट्रेट करेगा ये, ठीक है। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं हम उन पर स्ट्रेटनिंग के चक्कर में बाल तो नहीं जला सकते ना, हमें कम ही करना है, तो ये कंसल्ट करना है, ये आपने क्लाइंट को उसकी बारे में बताना है। और कुछ प्रोडक्ट आपने अगर सेलेक्ट कर ली ऐसी अच्छी, अब मुझे नहीं पता कि आपके पास क्लाइंट कौन सा आता है, बोटॉक्स वाला आता है, नट्स वाला आता है, महंगा वाला आता है, मेरे पास तो सब कुछ है ना, ठीक है। डैमेज हेयर को ही रिपेयर कर रहा है, डैमेज हेयर को तो इसने करना ही करना है, ये बनी ही प्रोडक्ट उसके लिए। लेकिन अगर किसी के वर्जन हेयर है और खुश्क हो चुका है, ठीक है,
अब कुछ बाग कौन सा होता है जो हल्का सा वेवी होता है, वो ड्राई होके निकल रहा होता है, क्योंकि हमारा जो फॉलिकल होता है ना वो टाइट होता है, उसमें प्रॉपर्टीज भी कम होती हैं। आपने देखा जो सिल्की बाल होता है उसके उसके फॉलिकल बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट निकलता है, कंप्रेस फॉर्म में नहीं निकलता, स्ट्रेट निकलता है और उसमें प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं और वो ज़्यादा फ्लेक्सीबल होता है, नरिश होता है। तो हमेशा जो वेवी हेयर होता है वही बेचारा जो है ना खुश होता है। तो आप वर्जन हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं, वर्जन हेयर को नरिश करेगा, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर आयरन करें। हम लोग इसको जो ये टाइम दे रहे होते हैं ना, ये खुद से वर्क कर रहे हैं, रिपेयर कर दिया उसको। इसमें अगर आपने हेयर वेवी हेयर है, वेवी ही रखना है और नरिश रखना है, तो हम इसमें आयरन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिपॉजिटिंग करवानी है, थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग करनी है, तो फिर हम इस पर आयरन करते हैं, ठीक है, सील करने के लिए। तो ये दोबारा हम कितने से आप इसको 1.5 महीने के बाद दोबारा दे सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे हम ये करते हैं, जब बालों को एक चीज़ की ज़रूरत होती है तभी आप देंगे ना, वो तो खुद बहुत हेयर बता रहा होता है कि मुझे अब ज़रूरत है, अब मुझे खाना चाहिए, पानी चाहिए, जिस तरह बंदा बता रहा होता है। उनकी रिक्वायर होती है, हमें भी तो यही चाहिए, हमारा बिजनेस चाहिए हमारी तरफ से, मतलब कोई 5 महीने कोई नुकसान नहीं है। इवन के आप के बिल्कुल बालों के लिए सेफ है, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है हमारी और हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट कहता है ना कि इससे, जैसे प्रेगनेंसी में अक्सर क्लाइंट आपको पूछती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं हम नहीं करवा सकते, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। और फॉर्मली फ्री है ये वाला, तो 100% इवन के आप 13 और 10 इयर्स की जो लड़कियां बच्चियां आती हैं, आप उनको भी ले कर सकते हैं।